Hi guys, welcome back to my channel once again. So very common problem in every woman about facial hair, body hair. फेस में बहुत ज्यादा हेयर आता है, बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर आता है, उसको हम कैसे परमानेंटली रिमूव करें, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, वो दोबारा आ जाता है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके बाल सिर्फ आना ही बंद नहीं होंगे, वो परमानेंटली जड़ से खत्म हो जाएंगे। सो वीडियो पूरी देखने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सो मेरे पास है ये न्यूड की बहुत ही क्यूट सी बॉटल, और ये बॉटल दिखने में जितनी नेचुरल है, जितनी नॉर्मल है, इसका काम उतना ही ज्यादा ऑसम है। ये काम कैसे करता है ये मैं आपको लेटर ऑन सब कुछ बताऊंगी, आप इसके लिए पूरी वीडियो देखना। लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको अमेजोन, स्नैपडील, नायका कहीं पे भी मिल जाएगा आसानी से, और इसको लगाना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और ये एक्चुअली इट्स अ नेचुरल हेयर इनहिबिटर, इसका मतलब ये है कि ये इसे यूज करने से आपके जो नेचुरल हेयर होते हैं वो उससे पहले धीरे धीरे आना कम करता है, आपके हेयर ग्रोथ को कम करता है, थिन करता है, उसके बाद परमानेंटली उसे रिमूव कर देता है। सो चलो अब मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखा दूँ। ये बहुत ही क्यूट पैकेजिंग में आता है और यहाँ पे सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट हेयर ग्रोथ रिडक्शन, नो मोर अनवांटेड बॉडी हेयर, क्योंकि आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इट्स 1499, और ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। सो मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आता है और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी अपनी बॉडी में टू सी द रिजल्ट्स कि ये काम करता है या नहीं करता है। और मैं इसको यूज़ करते हुए मुझे कम से कम एक महीना हो चुका है, और रियली इसको यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी रिजल्ट्स दिखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, लिप्स, इंटीमेट एरिया एंड बॉडी पार्ट्स, जहाँ जहाँ आपको हेयर की प्रॉब्लम है। सो सबसे पहले मैं आपको इसको अपने हैंड्स पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। अगर आपको कहीं बॉडी में अपने हेयर ग्रोथ को कम करना है तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में अभी थोड़ी सी ग्रोथ आई हुई है, और ये बहुत ही कम ग्रोथ है, ये बिल्कुल भी हैवी ग्रोथ नहीं आई है मेरी, बिल्कुल हल्की हल्की ग्रोथ आती है मेरी जब से मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। और बहुत ही रोए जैसे बाल है, बहुत हार्ड बाल नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन्हें शेव कर लूँगी, और शेव करने से पहले मैं यूज़ करूँगी वाव का ये एलोवेरा जेल, और मैं यहाँ पर जिलेट का शेव यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा जेल को अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लूँगी, और उसके बाद मैं इस जिलेट के शेव से मैं इसे अच्छी तरह से रिमूव कर लूँगी अपने बालों को। सो शेव करने से क्या होता है, इंस्टेंटली रिमूव भी हो जाता है, और इससे आपको कोई इरिटेशन या इचनेस नहीं होती है। सो मेरे हाथ अब बिल्कुल भी क्लीन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और क्लीन हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी न्यूड का यह क्रीम, और बहुत ही थोड़ा क्वान्टिटी लेना है, और इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे मसाज कर लूँगी अपने हैंड्स पे। सो ये अब्सॉर्ब होने के बाद बिल्कुल भी नॉन स्टिकी होता है, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, बहुत ही इवन सॉफ्ट हो जाता है स्किन। सो यू कैन सी, मैं अपने आपको हाथों में अप्लाई करके दिखा दिया कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आपके फेशियल हेयर हैं बहुत ज़्यादा, बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, और बहुत ही हार्ड बाल आते हैं, तो ये क्रीम आपके जो हेयर ग्रोथ है फेशियल हेयर, क्योंकि हमारे फेशियल हेयर में ना किसी किसी के बहुत ज़्यादा हार्ड बाल आते हैं, किसी के बहुत ही थिन आते हैं, किसी के बहुत रोए से आते हैं, तो ये उन सब पे काम करता है। तो ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ अपने फेस पे और अपने बॉडी पे। सो मैंने देखा है कि ये जो आपका हेयर ग्रोथ होता है उसको धीरे धीरे कम कर देता है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आज इसको लगाते ही तो बिल्कुल तुरंत एक दो दिन में आपके बिल्कुल हेयर खत्म हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी चीज़ अगर वो काम करती है तो वो थोड़ा सा टाइम लेके ही काम करती है। कम से कम आपको एक महीने तक इसको यूज़ करना पड़ेगा, डेली यूज़ करना पड़ेगा आपको। विद इन 15 डेज में इसका असर धीरे धीरे दिखने लगेगा, और फिर विद इन अ वन मंथ आपको इसका रिजल्ट दिखेगा कि जो आपके हेयर ग्रोथ आ रही है वो बहुत ही, या स्टार्टिंग में क्या करता है आपके हेयर ग्रोथ को बिल्कुल थिन कर देता है, बिल्कुल छोटे छोटे से बाल आते हैं, और बहुत ही ऐसे जगह जगह पे आते हैं, ऐसा बिल्कुल हैवीली बाल नहीं आते हैं जैसे हमारे बिल्कुल हार्ड बाल आते हैं, बिल्कुल थोड़े थोड़े से लेयर में बाल आएंगे, बिल्कुल पतले बाल आएंगे, और फिर धीरे धीरे वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे फेस पे अभी बाल हैं, थोड़े से चिन में बाल है, मेरे अपर हेड पे बहुत जल्दी बाल आ जाते हैं, यहाँ पर इस एरिया में आते हैं। तो हमें इसे यूज़ करने से पहले हमेशा अपने फेस को, अपने जहाँ जहाँ आपको यूज़ करना है, अपने चेस्ट पे, अपने लेग्स पे, बिकनी एरिया पे भी ये काम करता है, तो उस एरिया को सबसे पहले आप क्लीन कर लो। अगर आपको रेजर करना है, अगर आपको शेव करना है शेव कर सकते हो, वैक्स कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप शेव ही किया करो, क्योंकि वैक्सिंग से क्या होता है, वैक्सिंग के बाद हमें इरिटेशन होती है, तो मे बी अगर आप इसको लगाओ तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
सो अभी मैं अपने फेस को क्लीन करने वाली हूँ और उसके बाद मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाओ का एलोवेरा जेल है इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। मैं हमेशा अपने फेस को शेव करने से पहले एलोवेरा जेल को अपने फेस पे लगाती हूँ, उसके बाद शेव करती हूँ ताकि मेरा जो शेव हो वो ईजिली हो और मुझे कोई रैशेस या इरिटेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ जहाँ मुझे शेव करना होता है मैं वहाँ वहाँ इसे अप्लाई करती हूँ। मैं यहाँ पे टिंकर ब्लेड का इस्तेमाल करूँगी, ये फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो स्टार्ट मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, अपने बालों को इस तरह से ले जाऊँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट लाइक दिस। हमें नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में शेव करना चाहिए। यू कैन सी दीज आर माई फेशियल हेयर। मुझे बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते थे लेकिन इसको यूज़ करने के बाद मेरे काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं हेयर आना और बहुत ही नॉर्मल बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल थिन एकदम रोए जैसे बाल आते हैं और धीरे धीरे ये आपके सारे ही हेयर को ग्रोथ बंद कर देता है। तो मैं बेसिकली बस यहाँ यहाँ ही शेव करती हूँ, मैं पूरे फेस पे शेव नहीं करती हूँ। और मैं अपने मुझे अपर लाइन करवाए हुए अपर लिप्स करवाए हुए कम से कम 6 महीने हो गए। मैं अपने अपर लिप्स नहीं करवाती हूँ ना ही मैं अपने ब्राउज बनवाती हूँ, मैं घर पे ही करती हूँ। मैंने अपने फेस को अच्छी तरह से शेव कर लिया, अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। मैंने अपना फेस अच्छे से धो लिया और मेरा फेस बिल्कुल क्लीन हो चुका है। क्लीन करने का बेसिक ये होता है कि अगर आपका फेस क्लीन नहीं होगा तो जो अगर हमारे बालों में फेस में बाल होंगे तो ये जो एप्लीकेटर है ये हमारे चेहरे पर अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए इसको हमेशा यूज़ करने से पहले यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आपके सारे बाल बिल्कुल क्लीन हो, तभी ये अब्सॉर्ब होगा आपके स्किन में और तभी ये काम करेगा। तो मैंने बिल्कुल फेस क्लीन कर लिया है, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी और मैं बिल्कुल थोड़ा सा अप्लाई करूँगी लाइक बिल्कुल 1 ड्रॉप। जहाँ जहाँ पे मैंने शेव किया है मैं वहाँ वहाँ पे इसे अप्लाई करूँगी, बस इतना सा बहुत है। सो मैं इसे इस तरह से लूँगी और मैंने यहाँ शेव किया है, यहाँ यहाँ थोड़ा सा अपर लाइन हमें बस इसे इस तरह से करना है। और मेक श्योर कि इसको अप्लाई करने के बाद आप कोई भी चीज़ आधे घंटे तक एटलीस्ट ना करें। अगर आपको मॉइस्चराइज़र या कोई भी CTM अगर आपको करना है तो आप आधे घंटे तक कुछ भी ना करें, इसको लगा के रखें, इसको अब्सॉर्ब होने दें अपने स्किन में, तभी ये काम करेगा। सो यू कैन सी बिल्कुल भी इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इसको लगाओगे ना बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं होगा, बहुत ईजिली अब्सॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। आप इसे 1 महीना ज़रूर लगा के देखें, आपके फेशियल हेयर बॉडी हेयर जहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है हार्ड बाल आते हैं वहाँ बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। और इसका परचेज लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है आई नो, लेकिन एक्सपेंसिव वही चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं ऐसे काफ़ी दिनों से अपने फेस पे ट्राई कर रही हूँ और मेरे खुद के जो ग्रोथ है बहुत कम हो गई है और धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपके जो हार्ड बाल आते हैं बिल्कुल कड़े कड़े से बाल आते हैं, बहुत लोगों के यहाँ पे चिन एरिया पे बाल आते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम होती है वो, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। जिनके चिन में बहुत ज़्यादा बिल्कुल लड़कों की तरह बाल आते हैं दाढ़ी आती है उनके लिए बहुत अच्छा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसे आपको डेली यूज़ करना है, लाइक जैसे मैंने आज शेव किया तो मेरे 2-3 दिन बाद फिर से थोड़े से बाल आएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के बाल आएंगे, तो आपको फिर से उसे रिमूव करना है तब इसे अप्लाई करना है बालों पे, क्योंकि अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं होगा और अब्सॉर्ब नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप इसको अप्लाई करें आप अपने स्किन को देख लें कि आपकी स्किन क्लीन है तभी आप इसको अप्लाई करें। 2-3 दिन बाद रोज आप इसको क्लीन करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी अप्लाई करना है। और आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, रात को भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है। मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ रात को अप्लाई करके सो जाना क्योंकि रात को कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से काम करती है, क्योंकि मॉर्निंग में हम बाहर जाते हैं धूल पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं रात को करूँ और आप लोग भी यही प्रेफर करें कि आप लोग अपने स्किन केयर नाइट स्किन केयर रूटीन में इसको फॉलो करें डेली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय।